नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा देश में ऐसा भी प्रधानी से स्वागत किया जाए। रोड साइड बसंत मल्लिक स्वागत भैया। अच्छा मथुर दलिया से स्वागत किया जाए। मथुर नंदी माननीय, अभी हमारे भी जो हमारे बहुत प्रिय है भोला सिंह जी, हमारे सलामपुर ब्लॉक के सही है महासचिव है। आज आप लोग यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, आज का कार्यक्रम है हमारा देंदुआ पंचायत अंतर्गत दो बूथ 46-47। आज हम लोग यहाँ चार तरह का प्रोग्राम रखे हैं। पहला प्रोग्राम है कि आज हम लोग हमारे टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता है, महिला तृणमूल है, युवा तृणमूल है, हम लोग एक शपथ लेंगे कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है इसमें हम लोग माँ कल्याणेश्वरी को साक्षी रखकर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में विधान उपाध्याय को हम लोग शपथ के माध्यम से हम लोग जिताने का काम करेंगे और फिर से उनको असेंबली भेजेंगे। आप जिस बूथ का बात कर रहे हैं उस बूथ में कितना वोटर है? हमारे एक बूथ में 1200 वोटर है, एक बूथ में 800 कुछ वोटर है। आप लोग कितना टारगेट रख रहे हैं लीड लेने का? हम लोग का टारगेट है मोटा मोटी 2300 में, मान लीजिए अगर कुछ कट भी जाता है तो मान के चलिए हम लोग 1400 वोट हम लोग का निश्चित है। इस बार असेंबली इलेक्शन को कितना चैलेंज ले रहे हैं? इसको चैलेंज के आगे हम लोग का कोई है ही नहीं। हम लोग किसको चैलेंज में लेंगे? पूरा पश्चिम बंगाल हम लोग का सरकार है, हम लोग है माँ मट्टी मानुष का सरकार है। युवा बोलिए, साथी बोलिए, ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ आज तक पूरा देश में ऐसा विकास कहीं नहीं हुआ। बीजेपी वाला कह रहे कि आप लोग आखिरी सांस ले रहे हैं और आप लोग पर भगदड़ शुरू है। नहीं नहीं नहीं, 2021 बीजेपी फिनिश। आपस में कितना गुटबाजी आप लोग? हमारा बाराबनी में कोई गुटबाजी नहीं है। एक ही यहाँ का मालिक है, एक ही एमएलए हमारा मेन गार्जियन है, विधायक भी वही है और सबका गार्जियन वही है। क्या लग रहा है इस बार आप लोग ये सीट निकाल पाओगे? हमारे टक्कर में कोई नहीं है, निश्चित रूप से हमारा जीत है। आपका परिचय? मेरा परिचय आंचलिक कमेटी सभापति कल्याणेश्वरी, मेरा परिचय मॉनिटरी सर सलामपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट बुढ़ा खान।